Hello, my dear students. Today is April 7, 2020, that is Tuesday. I welcome you all in my science class. Earlier, we have discussed about germination and pollination. Today, we are going to explore about seed dispersal. The process by which seed of a plant traveled or scattered away from the plant is called seed dispersal. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो सीड है प्लांट का वो प्लांट से दूर किसी भी मीन से पहुंच जाता है, बेशक वो एयर से ट्रैवल करे, वाटर से ट्रैवल करे, बर्ड्स के थ्रू ट्रैवल करे, और अलग अलग मीन्स होते हैं जिससे एक जो सीड है वो उड़ के कहीं पर भी पहुंच जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, एंड आप सोचेंगे कि कैसे एक सीड अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और यही वो प्रोसेस है जिससे एक प्लांट एक जगह पे एंड दूसरा प्लांट काफ़ी फार प्रेजेंट होता है। इट इज़ ऑल हैपनिंग बाय द मीन्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। सो इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक हम समझेंगे कि डिस्पर्सल बाय विंड कैसे हो रहा है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड्स बहुत लाइट नेचर की होती हैं, जैसे कि मैपल, डैंडेलियन, स्कैमोर। इनकी जो सीड्स होती हैं वो बहुत लाइट होती है, एंड अगर वो शेड ऑफ हो जाती हैं जब प्लांट बड़ा होता है तो वो हवा के साथ उड़कर एक से दूसरी जगह पे पहुंच जाती हैं। दैट्स हाउ डिस्पर्सल बाय विंड इज हैपनिंग। नाउ डिस्पर्सल बाय वाटर, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कोकोनट का। कोकोनट जो है आपने ऑब्जर्व किया हो या कभी महसूस किया हो, हमेशा प्लांट के जो ये प्लांट है वो हमेशा समुद्र के किनारे या फिर वाटरी जगह पर प्रेजेंट होता है। इसकी जो सीड होती है वो बहुत स्पॉन्जी नेचर की होती है, एंड वाटर के थ्रू भी एक से दूसरी जगह पहुंच पाती है, बिकॉज दिस प्लांट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट नियर वाटर। सो डिस्पर्सल बाय वाटर इज़ हैपनिंग इन द केस ऑफ कोकोनट। नाउ डिस्पर्सल बाय एनिमल, इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस की हेल्प से सीड जो है एक से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आपने नोटिस किया हो, आप जब घर से बाहर कुछ खा रहे हैं या फिर कोई फ्रूट खा रहे हैं तो आप उसकी सीड जो है या फिर जो बच गया रिमेनेंट जो होता है वो कहीं पर भी डाल देते हैं कभी कभार, एंड दैट सीड इफ गेट राइट अमाउंट ऑफ कंडीशंस टू सर्वाइव, अगर उस सीड को राइट टाइप ऑफ कंडीशन सर्वाइव करने के लिए मिल जाता है तो वो सीड एक प्लांट में डेवलप हो जाता है, एंड दैट इज द सिमिलर केस दैट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ एनिमल्स। सो दैट्स हाउ डिस्पर्सल बाय एनिमल्स और ह्यूमन इज हैपनिंग, सो दैट अ प्लांट इज एबल टू ग्रो वेरी फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्पर्सल बाय air, dispersal by water, dispersal by human or animal. This is all about seed dispersal. So students, in the last, आपको अपने आसपास ऐसे plants को observe करना है जिनकी seeds एक से दूसरी जगह easily disperse हो सकती हैं and disperse हो भी रखी हैं. And for parents, I would like to request that please help your ward so they can understand the chapter at the very best. Thank you and take care.